पेट में जलन, खट्टी डकार या एसिडिटी गर्मी में होने वाली एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम। क्या है इसका आयुर्वेदिक उपचार? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर सीरीज आयुर्वेदा फॉर समर डिजीजेस। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हम सभी उन्हीं छोटी छोटी बीमारियों की बात कर रहे हैं जो गर्मियों के मौसम में आपको बहुत परेशान करती है, और बता रहे हैं उनका आयुर्वेदिक उपचार। इसलिए यदि आपको भी कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का रोग है, तो ज़रूर डायल करें हमारा जीवा का सेहत का नंबर, क्योंकि इस नंबर पर आपको मिलेंगे हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो आपके रोग के मूल कारण को समझ करके आपको आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। एसिडिटी, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं कि पेट में जलन होना, आयुर्वेद में कहते हैं अम्ल पित्त। होता क्या है कि हमारे पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, एक प्रकार का एसिड जो कि नॉर्मल है, पाचन में वो काम करता है, हमारे भोजन को पचाने में उसका रोल है, लेकिन क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऑलरेडी अंदर हीट बहुत ज़्यादा है, अग्नि है हमारे पेट में, और गर्मी में लोग क्या गलती करते हैं, चाय पीते हैं दिन में 2-3 बार, कॉफ़ी पीते हैं, मिर्च मसाला खाते हैं, खट्टी चीज़ें खाते हैं, तीखी चीज़ें खाते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक तो गर्मी है ऑलरेडी और ऊपर से हमने गर्म चीज़ें और ज़्यादा खाई, तो वो पित्त बढ़ जाएगा, यानी कि हमारे पेट के अंदर एसिड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर ये एसिड दो काम करता है, सबसे पहले हमारा जो भोजन अंदर जाता है उसको पचाने में जो इसका रोल था वो काम नहीं करता है, यानी कि हमारा खाना ठीक से नहीं पचता है, फर्मेंटेड हो जाता है, गैस बनती है, और ये गैस फिर ऊपर की तरफ को जाती है, कई बार भोजन ऊपर की तरफ को जाता है, एसिड ऊपर की तरफ जाता है, कई बार लोग यहाँ तक शिकायत करते हैं कि गले तक भी उनको जलन होती है, मुँह में भी खट्टा पानी आ जाता है, और छाती में जकड़न हो जाती है, अपच हो जाती है, बदहजमी हो जाती है, उसके बाद कब्ज हो जाती है। बहुत सारी परेशानियां शायद आपको भी होती होंगी। लोग करते क्या है, एक एंटासिड की गोली खा लेते हैं लेकिन चाय बंद नहीं करते, कॉफ़ी बंद नहीं करते, तीखी चीज़ें बंद नहीं करते। इसी को हम आयुर्वेद में कहते हैं प्रज्ञापराध, बुद्धि का दुरुपयोग, यानी कि यदि आपके घर में आग लगी है तो उसमें आप मिट्टी का तेल मत डालिए, पेट्रोल मत डालिए, उसमें आप पानी डालिए तभी आग बुझेगी। तो क्या है वो आग बुझाने वाली आयुर्वेदिक चीज़ें, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके इस एसिडिटी को कम करती है? सबसे सिंपल है, आपके घर में अगर सौंफ है तो चाय की बजाय आप सौंफ का पानी पिए, सौंफ को उबाल करके थोड़ा ठंडा उसको करके पिए, उसमें थोड़ी मिश्री डाल के पियेंगे तो और भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जीरा आपके घर में है, धनिया पाउडर होता है, इसका पानी बना करके भी आप पी सकते हैं, या सौंफ, जीरा, धनिया और सूखा पुदीना, ये चारों चीज़ों को बराबर बराबर मात्रा में आप पाउडर फॉर्म में मिला लीजिए। ये जो मिश्रण बनेगा, मिक्सचर बनेगा, इसमें से 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत प्रॉब्लम आपको हो रही है, 20 मिलीलीटर कच्चा दूध, उसमें 1/2 कप पानी मिलाइए और उसको पी लीजिए। और कुछ नहीं तो आपके घर में अगर खीरा है, ककड़ी है, वो थोड़ा छील करके उसको खा लीजिए, तरबूज का सेवन कर लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, या कच्चा नारियल जो गरी वाला नारियल होता है उसका सेवन कर सकते हैं। अगर घर में मुलेठी है तो 1/2 चम्मच या 1/4 चम्मच मुलेठी का पाउडर भी आप पानी के साथ ले सकते हैं। आंवला पाउडर भी कई लोगों को बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको प्रयोग करके आप अपनी एसिडिटी को शांत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, जो चीज़ें एसिडिटी को बढ़ाती हैं, पित्त को बढ़ाती हैं, गर्मी को बढ़ाती हैं, टमाटर है, दही है, नींबू है, खट्टी चीज़ें हैं, गर्म तासीर वाली चीज़ें, उनका सेवन आपको नहीं करना है। और कोई किसी तरह की आपको फिर भी समस्या रहती है तो आपको याद रहना चाहिए जीवा का सेहत का नंबर। तो इन गर्मियों में लेट अस कनेक्ट विद आयुर्वेद, लेट अस टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी विद आयुर्वेदा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।